नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, JSW एनर्जी के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर, और यकीन मानिए एक भयंकर गिरावट का इंतज़ार कल शायद आपको स्टॉक में देखने को मिले, कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिले। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसके लिए सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। आप देखें, करोड़ में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखेंगे तो इस बार 1140.55 करोड़ की रेवेन्यू हुई है, जो कि पिछली क्वार्टर में दोस्तों लगभग 2000 करोड़ था और एक साल पहले 802 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर तो ये बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट। अदर इनकम की बात करेंगे तो 160.32 करोड़ रुपए की अदर इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 18 करोड़ थी, ठीक है, और एक साल पहले 114 करोड़ से ज़्यादा। और जब इन दोनों को मिला लेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 1300 करोड़ की दोस्तों, जो एक साल पहले लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा थी, 2016 करोड़, और एक साल पहले 916 करोड़ थी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं खर्चों की। देखिए, खर्चे तो बहुत कम हुए होंगे, नो डाउट, जब आपका धंधा ही नहीं हुआ है तो आप खर्चा क्या किए होंगे। फ्यूल कॉस्ट में नजर डालेंगे तो 760 करोड़ रुपये का फ्यूल कॉस्ट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 1200 करोड़ था, 1198.92, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 478 करोड़ था। बात करें आप कह सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की, माफ कीजिएगा, तो वो 41.32 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 26.9 था और एक साल पहले 30.71 करोड़ था, ठीक है। बात करें दोस्तों अदर एक्सपेंसेस की, जो एक बड़ा एक्सपेंस रहता है, 92.68 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 87.92 करोड़ था। और जब इन सबको मिला लेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस निकल के आता है 1068 करोड़ रुपीज, जो एक क्वार्टर पहले 162 करोड़ था, 32 करोड़ था, यानी 1632 करोड़ था, ठीक है। तो भाई खर्चे कम हुए हैं क्योंकि आपने धंधा ही नहीं किया है, ये एग्जैक्टली साफ बात है। अब देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या निकल के आती है। तो देखिए, इस बार टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड इनकम या लॉस में तो आप पाएंगे 414 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1041 करोड़ का लॉस था दोस्तों, और एक साल पहले भी ये 96 करोड़ रुपीज़ के यहाँ लॉस था। तो मैं आपको बता दूँ, जो मैं पहली बातें कह रहा था कि आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ये एकदम से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, और कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम इस चक्कर में, अगर आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो नीचे चलते हैं, तो ये EPS में अगर नज़र डालेंगे तो 2.09 से ये घटे हैं 0.95 में, लेकिन देखिए ये इसलिए घटे हैं क्योंकि धंधा ही नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स जनरेट किए हैं। मुझे फिर भी लगता है कि गिरावट होगी दोस्तों, इतनी भयंकर शायद ना हो, लेकिन गिरावट फिर भी होगी क्योंकि बिजनेस हुए नहीं है। बट बिजनेस हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। अब देखना ये होगा कि इसको किस तरह बाजार लेता है और मंडे को ये किस तरह की हरकतें दिखाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।